अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें जॉब से रिलेटेड, पीपीएससी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड मिल सके। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीएमएस का पेपर डिस्कस किया था, 87 या 80 कुछ क्वेश्चन हुए थे। तो आइए 87 से आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है जी 87, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल इज राइट आंसर। इसके बाद देर आर टू डिफरेंट वे टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर, एम्बेडिंग एंड लिंकिंग इज राइट आंसर। अगर आपको लगता है ये आंसर रॉन्ग है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने सर्च किए, जो मुझे मिले हैं वो आंसर मैं अपने मुताबिक तो यही लगा। अच्छा, ये भी था एक डीवीडी ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रिटर्न आइडेंटिफाइड, DVD-WR। काफ़ी जगह पे ये लिखा हुआ है, कुछ जगह पे ये भी है DVD+RW। DVD-R जो है ना, वो काफ़ी जगह पे, ज़्यादा जगह पे DVD+R ही है। इसके बाद What is the name of web page address? Select the from following। URL बोलते हैं जो address होता है किसी भी web page का, उसको URL कहते हैं। Uniform resource locator इसका abbreviation। The function is a predefined formula which can calculate the value given in a specific order। जो Excel वगैरह में predefined formula होता है, आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देते हैं, जो मेरे मुताबिक तो प्रीडिफाइंड फार्मूला बनेगा। ऑप्शन तो और भी थे, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 30। ये है ना, इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गूगल पे इसका सॉल्यूशन आपको कर देता हूँ, क्योंकि अभी पेज पे तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखें आप, एक्सप्लेनेशन देखें, लेट एज ऑफ ए इयर्स, बी इयर, सी इयर्स। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 2x, मतलब ए एंड बी दो हैं तो 2x आ गया। एवरेज आ गई 2x × 30, क्योंकि x जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 था ना, तो दोनों की वो 60 आ गया। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एज ऑफ ए प्लस एज ऑफ बी। ए प्लस बी जो है हमारे पास आ गया जी 60, जैसे हम लोगों ने ये ऊपर किया, ए इक्वल टू 60 बी। बी इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। टोटल एज ऑफ बी एंड सी, बी प्लस सी जो है इक्वल टू 2 × 32 ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में ये चीज़। यहाँ पे बी एंड सी देख लें आप, 32 है। उसके बाद आ गया जी 64 आ गया ये। फिर उसके बाद बी इक्वल टू 64 नफी सी। टोटल एज ऑफ सी एंड ए, सी प्लस एज इक्वल टू 2 × 34, ये दिया होगा यहाँ पे, ये देखें 34, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया। अब सी इज इक्वल टू ए, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ए की वैल्यू जो हमारे पास थी हमने ऐड कर दी यहाँ पे। ए की वैल्यू ऐड करने के बाद 60 नफी बी था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये देखें। उसके बाद 8 प्लस बी ये रह जाएगा, नेक्स्ट 8 प्लस 64 नफी सी, देन जो है ये एक साइड पे इसको कर लेना, इधर जो है इसको 8 इधर आ गया, 72 बन गया। तो जो सी है वो इधर आ गया 2c से, 2c जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया डिवाइड हो जाएगा। तो ये 36 ईयर्स इज राइट आंसर। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज है
वो कहता है सीरीज को कंप्लीट करें। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से है कि इसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन, गूगल भी कर लें। इसका राइट आंसर 80 बन रहा है इनके अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पे ये इसके मुताबिक। ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है जी, ये परसेंटेज वाला सवाल है। ये आप लोगों ने परसेंटेज निकाल लेनी है, इसको भी अगर तलाश करना है तो इसका मिल जाएगा। ये देखें ज़रा, इसमें ये 3, 6, 11, 18, 27, इसमें इसने 6 से स्टार्ट किया जो हमारे पास, अब 6 में से 3 माइनस किए, फिर जो है ये देखें जो 6 है ना ये इधर आ जाएगा, इसको 11 में से माइनस किया इसने, देन जो है वो ये जो 11 है वो इधर आ गया, 18 में से 11 माइनस किया 7, ये जो फिगर बन रही है 3, 5, 7, 9, 2, 2 ऐड हो रहे हैं इधर, इसमें ये जो नफी हो रहा है एफ इन टू एन एन स्केयर प्लस 2। ये आप लोगों के सामने इसका कुछ सोल्यूशन इस तरह से है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा, 54.5%। कंसीडर द वर्ड सेग्रेशन इंटीग्रेशन अपोजिट होता है इसका, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरियंस इज राइट आंसर। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज यूके है जी। अगर इन्वेंशन की बात करें तो वो जर्मनी आ जाएगा, अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो यूके है। ज़रब अज़ब जो थी वो कहता ज़रब अज़ब अंडरवेंट इन द फाटा अज़ब वाज़ द नेम ऑफ वार्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टडी लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी इज राइट आंसर। स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इकोलॉजी इज राइट आंसर। वाह खां कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ इस तरह से ये पेपर था, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें मज़ीद आप क्वेश्चन से क्वेश्चन लिंकिंग क्वेश्चन जो है वो कैसे तलाश कर सकते हैं। सपोज ये कराकरम हाईवे है, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैं आपको चेक करवा देता, अब द कराकरम हाईवे 1300 KM नेशनल हाईवे, ये 1300 KM वाला भी इसमें आता है, आप लोगों को क्वेश्चन शायद पता हो। ये साउथ एंड हसन अब्दाल से शुरू होती है पंजाब पाकिस्तान से, ठीक है। कम्प्लीटेड इन 1979, ओपन इन पब्लिक सिंस 1986। यहाँ से आप लोग इसके बारे में और मज़ीद इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, खंजरा पास इन गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल आएंगे। देन आप देख लें ये जिस तरह से एक क्वेश्चन है, ये इसने फर्स्ट मुस्लिम पूछा है, आप लिस्ट ऑफ पंजाब गवर्नर पाकिस्तान। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, वो ये भी पूछ सकता है, दो क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कंफ्यूजन जो है क्लियर कर लेनी। अगर वो पूछता है फर्स्ट गवर्नर को, फ्रैंकस मुंडे इज द फर्स्ट गवर्नर, वाज द फर्स्ट गवर्नर 50th अगस्त 1947 से 2nd अगस्त 1949 तक ये रहे। अगर वो मुस्लिम की बात कर रहा है तो वो अब्दुल रब निश्तर इज राइट आंसर। तो इसी तरह ये दोनों का आपने जो है वो देख लेना है। अब अगर वो ये भी पूछ सकता है कि जो है वो अभी गवर्नर कौन है मोहम्मद सरवर, वो तो आपको पता ही, करंट गवर्नर का तो काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं पता तो देख लें मोहम्मद सरवर है। और ये भी पूछ सकता है कि उसका नंबर क्या है, 33rd है, 32nd है,
31st है, 40th है, ऐसे वो इस तरह से। चीफ मिनिस्टर पंजाब इसी तरह से। ये मैं आपको एक जो है ना वो बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में जो है ना मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके। बुक पे तो आप, बुक पे आप लिंकिंग क्वेश्चन निकालते जाएं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और इसी तरह अब मैं देख रहा हूँ, जैसे व्हाट इज यूएनओ, अब यूएनओ का क्वेश्चन इसमें आया। मैं यूएनओ देखता हूँ, यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली लोकेशन रिलेशन अमंग नेशंस। इसका सेक्रेटरी जनरल है जी अंतोनियो गटर्स। इसका ये 9th नंबर है, ये भी आप लोग देख लें कौन सा नंबर है इसका। फाउंडेड 24th ऑफ अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। लैंग्वेज इसकी 6 है, हम लोगों ने पढ़ा था, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। वो ये भी कह सकता है, ऑप्शन दे दे 4 के, ये लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी इसकी लैंग्वेज है। और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इसी की एक ब्रांच है। उसके बाद यूनिसेफ, यूनेस्को, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे 50 मोर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा देखना है आपने, और भी कर ले। ये जो है ना इसके यूएनओ से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि यूएनओ क्या है और इसकी कौन कौन से ऑर्गन है, कुरवारीरा, ये मतलब इसके बारे में क्वेश्चनिंग होती है। जैसे यूएन जनरल असेंबली है, यूएन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक सोशल, यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल, ये इसके 6 जो है ना। ये यहाँ से इसके बारे में आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं, जनरल असेंबली क्या, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये देखें 9th, ये है फर्स्ट कौन सा सेक्रेटरी जनरल, ये भी क्वेश्चन आया, सेकंड का भी आया, थर्ड का भी आया, फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9th, ये आप लोग पता होना चाहिए। फर्स्ट कहाँ से था, सेकंड कहाँ से था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये कहाँ से आया, ये भी आप लोगों को इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को क्वेश्चन है, डाउट है, वो काइंडली कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों को जो है ना वो बेहतर गाइड किया जा सके। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।